खबर झाबुआ से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल की अपील जिले के कुम्हारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में कई वर्षों से कुम्हार का कार्य कर रहे लोगों द्वारा इस दिन दिवाली को लेकर मिट्टी के खूबसूरत दिए बनाने में जुट गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर दिवाली की अपील का असर दिखने लगा है। इस बार कुम्हारों के बनाए मिट्टी के बर्तन और दिए की बिक्री अधिक होने का अनुमान है। वहीं जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कुम्हारों द्वारा मिट्टी के दिए व ग्रामीण द्वारा सामग्री विक्रय करने हेतु बाजारों में आने वाले एवं उन्हें सुविधा देने व उनसे किसी भी प्रकार की नहीं वसूली करने की भी बात कही है। प्रशासन ने आदेश पारित किया है वोकल फॉर लोकल, मतलब हम स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा दें। जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं हमारे, जो चाहे बढ़ाई हो, मिस्त्री हो, कुम्हार हो, तेली हो, जो अन्य हुनरमंद लोग हैं जो अपने आइटम बनाते हैं, अपनी सामग्री बनाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये आदेश निकाला गया है। इस दीपावली पे हम मिट्टी के दिए या और जो सामग्री, सजावटी सामग्री हम मिट्टी की जो बनती है, हमारे जो प्रजापति भाई बनाते हैं, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि इनको प्रोत्साहन मिले, इनको बढ़ावा मिले। इसलिए नगर पालिका को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि इनसे टैक्स ना वसूला जाए। मिट्टी के बर्तन बहुत सारे बनते हैं, दीपक बनते हैं, गुल्लक बनते हैं, बेड़े बनते हैं, झूमर बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी YouTube पे देखा था थोड़ी देर पहले, कलेक्टर साहब ने जो निर्णय लिए प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये निर्णय बहुत ज़रूरी था। जो लोकल लोग, जो गरीबी हैं, वो कम से कम अगर बाज़ार में दुकान लगाते हैं तो उनसे वसूली नहीं होगी, तो कम से कम जो 50 रुपये की जो वसूली है उससे उनके 50 रुपये का घर में शाम को राशन तो जाएगा। कलेक्टर महोदय ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया, जो त्यौहार पे कम से कम किसी लोगों को 50 रुपये बहुत काम आए। और इस तरह से ग्राहक अभी आ रहे हैं, दीपावली की सीज़न है, लॉकडाउन ख़त्म होने से थोड़ा अच्छा व्यापार भी हो रहा है। अब धीरे धीरे दीपावली के समय तक दीपक बनेंगे और बिकेंगे, और बहुत बढ़िया इस साल की सीज़न थोड़ी अच्छी दिख रही है इस बार।